नमस्कार, मैं निशी शर्मा, स्वागत है आपका जनप्रवाद में। 21वीं सदी में युवाओं को अजीबोगरीब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। BHU के अध्ययन में पाया गया है कि युवाओं में 32 की जगह सिर्फ 28 दांत पाए जाते हैं। वहीं जबड़े के सबसे पिछले हिस्से में अक्खल दांत विकसित ही नहीं हो रही है। 35वीं सदी युवाओं में 32 दांत आ भी रहे हैं तो वो टेढ़े मोड़े होने की वजह से उन्हें ठीक करवाना पड़ता है। दांतों को 32 ही कहने का चलन अब खत्म होने जा रहा है। इसके पीछे सिर्फ ये वजह नहीं है कि युवा आबादी इस शब्द से वाकिफ नहीं है, बल्कि एक बड़ी वजह ये है कि अब लोगों की 32 निकल ही नहीं रही है। 21वीं सदी में जन्म लेने वाले लोगों में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनके सिर्फ 28 दांत ही निकल रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस में एक अध्ययन हुआ है। इसमें पता चला है कि 20वीं सदी युवाओं में अक्कल ढाड़ ना निकलने से चबाने वाले दांतों की संख्या घटकर 8 हो गई है। मसूड़ों का आकार भी कम हो गया है। फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस के डेंटल एक्सपर्ट प्रोफेसर TP चतुर्वेदी पिछले 20 सालों से OPD में आने वाले मरीजों, खासकर युवाओं पर अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन में पता चला है कि जबड़े के सबसे पिछले हिस्से में अक्खल ढाड़ यानी विजडम टीथ विकसित ही नहीं हो रही है। 35वीं सदी युवाओं में 32 दांत आ भी जाते हैं तो टेढ़े मेढ़े होने की वजह से इन्हें ठीक करवाना पड़ता है। फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस के डेंटल एक्सपर्ट प्रोफेसर PT चतुर्वेदी का कहना है कि अक्खल ढाड़ ना निकलने से कठोर भोजन खाने में सहयोग होता है। प्रोफेसर ने बताया कि अमूमन 18 से 25 के बीच में लोगों के 29 से लेकर 32 दांत निकलते हैं। सामने की ओर काटने वाले 20 दांतों में कोई बदलाव देखने को नहीं आया है। कम चबाने से जबड़े का साइज छोटा हो जाता है, ऐसे में अक्खल ढाड़ विकसित होने के लिए स्थान ही नहीं बच रहा। प्रोफेसर चतुर्वेदी का मानना है कि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 5000 साल में अक्खल ढाड़ मानव का अभिषेक अंग हो जाएगा। अविशेषी अंग वो होता है जो अंग शरीर में तो होते हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि अक्खल ढाड़ धीरे धीरे विफल हो रही है। अक्खल ढाड़ विकसित न होने की समस्या शहरी युवाओं में ज्यादा देखने को मिली है। इसकी वजह है दिनचर्या व खान पान में बदलाव। प्रोफेसर चतुर्वेदी के मुताबिक पहले लोगों में जबड़े बड़े होते थे। पहले के लोग भुना हुआ चना, भुट्टा, सत्तू और तमाम कड़ी चीजें चबाकर खाया करते थे। गांव में अब भी लोग ऐसा करते रहे हैं लेकिन शहरों में युवा इससे दूर हो रहे हैं। फास्ट फूड के जमाने में शहरी युवा अब कड़ी चीजें खाने से परहेज कर रहे हैं। कम चबाने से जबड़ों का साइज छोटा होने लगा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।